नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास त्रिवेदी और आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी जीआरपी की सरकारी बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ कर बदमाशों ने आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। इधर पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया है। जी हां, कल सुबह अचानक रेलवे स्टेशन पर बदमाशों ने जीआरपी की सरकारी बोलेरो में अचानक तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इस घटना से रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तोड़फोड़ कर आग लगाने वाले बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूचना मिलते ही मौका स्थल पर फायर ब्रिगेड की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इधर आगजनी घटना से जीआरपी की बोलेरो गाड़ी जलकर खाक हो गई। इस दौरान घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। 5000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। दो आरोपी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 55000 रुपए बरामद किए। लगातार सूचना प्राप्त करके कार्रवाई की जा रही थी ऐसी घटनाओं पर। इसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो जिला राजगढ़ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो फरियादी है प्रकरण का, उसके कपड़े पर मैला लगाकर जो थैला उसके पास था पैसे का, वो चुरा लिया गया था। पुलिस ने जो पैसे थे उसमें वो जब्त किए। लगभग 80000 रुपये का पैसा उसमें से गया था और कुछ कैश उसमें बरामद हो चुका। के सनसनीखेज मामले में हत्या का खुलासा किया पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने। और इनसे पूछताछ में प्रारंभिक ये भी जानकारी मिली है कि जो आजकल धारावाहिक चल रहे हैं जिसमें क्राइम से संबंधित किस प्रकार किया गया वो भी इनको देखने का शौक था, तो उसको देख के इन्होंने ये योजना बनाई कि किस प्रकार हत्या की जाए। सबसे पहले महिला ने फोन पे जो है मृतक को बुलाया, बापूलाल को, और जिस स्थान पे बुलाया था वहां पर जो अन्य पुरुष है जिसके साथ इसके संबंध है, नागूलाल और उसका साला प्रकाश, ये वहाँ पर पूर्व से मौजूद थे रॉड और लाठियों के साथ में। और जैसे ही मृतक वहाँ पे पहुँचा, इसको सिर पे जो है पाइप और रॉड से हमला करके वहीं पर स्पॉट पर ही इसको मार दिया गया। और इसको एक्सीडेंट का स्वरूप देने के लिए मृतक की लाश को मोटरसाइकिल पर ले गए और सामान्य जो रोड है उस पर फेंक दिया और वहीं पर जो है मोबाइल आसपास डाल दिया। और देश भर में सबसे पहले उज्जैन के महाकालेश्वर में आज दीपावली पर्व मनाया गया। पंडित पुजारियों ने मंदिर में फुलझड़ियां जलाई।